नमस्कार दोस्तों, द डीजल स्पॉटेड यूट्यूब चैनल पर मैं वैभव मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने 100 सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं अपने बाकी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस रूट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन जितने भी अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो को एडिट करने में और पोस्ट करने में थोड़ा सा डिले हो गया। इसका रीज़न ये है कि बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिस वजह से ये वीडियो डिले हो गया। अभी बहुत ठीक कंडीशंस नहीं है लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स ट्राई किए हैं कि ये वीडियो मैं आपके पास पहुँचा सकूँ। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो इस सेक्शन के रिगार्डिंग मैं पिछले 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, पिछले 4 अपडेट्स आपको दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने स्टेशन थे वहां पर आपके OHE फाउंडेशंस को बनाने का काम पूरा कर लिया गया था और उसके आगे आपके OHE मास्ट को लगाने का काम भी शुरू हो चुका था। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ था कि चिलवरिया रेलवे स्टेशन पर OHE मास्ट को लगाने का काम बाकी था, तो अभी फ़िलहाल के ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि वहाँ पर भी आपके मास्ट को लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब उन पर आपके जो गर्डर्स होते हैं और जो सपोर्टिंग आर्म्स ड्रॉप आर्म्स को लगाने वाला केटनरी और लाइव आर्ट्स को संभालने वाला ड्रॉप आर्म्स होता है उसे लगाने का काम बाकी है। तो काम काफ़ी तेज़ी से इस टाइम पर चल रहा है, काम में कोई भी डिले नहीं हो रहा है इस टाइम पर और उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त महीने के एंड तक आपके उस पर ड्रॉप आर्म्स पर लगा दिए जाएंगे। करें इस टाइम पे बहराइच रेलवे स्टेशन पर हो रहे काम की, तो बहराइच रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल तक आपके जो OHE मास्ट है उनको लगा दिया गया है। अब जो फाइनल काम बचा हुआ है वो आपका स्टेशन प्रीमिसेस में यानी कि स्टेशन की जो बाउंड्री होती है जहाँ से आपका स्टेशन शुरू होता है वहाँ पर आपके OHE मास्ट को लगाने का काम बाकी है जिनमें आपका यार्ड कवर होगा और प्लेटफॉर्म्स कवर होंगे। तो अगर सारा काम सही डायरेक्शंस में चलता रहा और अभी इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आया तो चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली कि सितंबर लास्ट तक आपके पूरे पूरे सेक्शन पर OHE मास्ट के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो वायरिंग का काम बचेगा वो होगा और उसके बाद में CRS इंस्पेक्शन के बाद में अगर सारा काम सही डायरेक्शंस में चलता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के स्टार्टिंग में या तो फरवरी तक आपका सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड होकर चालू हो जाएगा CRS इंस्पेक्शन के। तो दोस्तों वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा लंबा और एलोंगेट नहीं किया है लेकिन मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए आपसे एक ही सिफारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, ये मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ 110%। तो तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।